नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन रिव्यू में। और आज हम बात करेंगे न्यू क्लीन जेल के बारे में, जो कि आपके चेहरे पर होने वाले एक्ने पिंपल को हटाने के लिए काफ़ी अच्छा और जाना माना जेल है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस जेल के क्या क्या यूजेज हैं और क्या इस जेल को लगाने से कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, और इसकी साल्ट कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस जेल के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो का पता चल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, बात अगर न्यू क्लीन जेल की करें तो इसमें जो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट और निकोटिनामाइड दिया होता है, और ये आपको मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन लगभग 100 से 120 रुपये के बीच में मिल जाता है। इसे आप मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात अगर इसके यूज की करें कि हम इसका उपयोग जो है किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसका ज़्यादातर उपयोग जो है चेहरे पर होने वाले पिंपल और एक्ने को हटाने के लिए किया जाता है। अगर आपके चेहरे पर जो है किसी प्रकार का कील मुहासे हो गए हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो हमारा साल्ट जो है इन्ग्रीडियंट्स क्लिंडामाइसिन दिया होता है, ये एक एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। यह त्वचा के अंदर जाकर जो है मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को एकदम ख़त्म कर देता है, जिससे आपके शरीर पर यानी चेहरे पर किसी प्रकार के पिंपल नहीं रहते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग जो है आपके चेहरे पर होने वाले दाग धब्बों को हटाने के लिए भी किया जाता है। यानी अगर आपके चेहरे पर जो किसी प्रकार के दाग धब्बे हो गए हैं, काले धब्बे हो गए हैं या डार्क सर्कल हो गए हैं, तो उन्हें भी हटाने के लिए इस न्यू क्लीन जेल का उपयोग किया जाता है। लोगों में क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ यानी ओल्ड एज होने लगती है, तो उसके साथ साथ उनकी जो है खाल सिकुड़ने लगती है, तो उसे भी ठीक करने के लिए इस न्यू क्लीन जेल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर जो है सूजन आ गई है तो सूजन को भी कम करने के लिए इस जेल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस न्यू क्लीन जेल के कुछ यूजेज। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर इसके इस्तेमाल से अगर इस जेल के इस्तेमाल से अगर आपके चेहरे पर खुजली हो जाती है या रेडनेस की समस्या हो जाती है या स्तन पर जो है बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है या किसी प्रकार का जो है और भी कोई समस्या हो जाती है, तो इस जेल का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसी कोई ज़्यादा समस्या होती है यानी जलन की समस्या हो जाती है तो भी इसे इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, इस जेल को जो है आपको जो है दिन में केवल 2 ही बार लगाना है, और इस जेल को आपको उसी स्थान पर लगाना है जहाँ पर आपको कोई समस्या है, यानी अगर आपको वहाँ पर पिंपल है तो आपको इसी स्थान पर लगाना है, ना कि पूरे चेहरे पर। इसको लगभग से लगभग आपको जो है इस जेल को आपको जो है 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रखना है। उसके बाद में अच्छी तरीके से पानी साफ पानी से धुल देना है, और आपको ये काम जो है दिन में 2 बार करना है। इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो इससे जो आपके एक्ने पिंपल की समस्या जो आपकी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस न्यू क्लीन जेल के बारे में और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।